लगभग 10,000 साल पहले हिमयुग के दौरान उत्तरी अमेरिका में शॉर्ट फेस्ड भालू सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली भूमि मांसाहारी था। इसका वजन लगभग 700 किलो हो सकता है। ये भालू आज के ग्रिजली भालुओं की तुलना में बहुत लंबे थे, लेकिन इतने भारी नहीं थे। साथ ही उनके अंग लंबे और अधिक पतले थे। हिमयुग के छोटे चेहरे वाले यानी शॉर्ट फेस्ड भालू उत्तरी अमेरिका में रहने वाले अब तक के सबसे बड़े स्तनधारी भूमि मांसाहारी थे। सामान्य रूप से चलते समय ये भालू लगभग 1.5 मीटर ऊंचे थे, लेकिन अपने पैरों पर खड़े होने के बाद यह लगभग 3.4 मीटर लंबे थे। वे 5 मीटर से भी अधिक लंबे हुआ करते थे। आप इस इमेज को देखकर इनके उच्चता का अनुमान लगा सकते हो। विशाल छोटे चेहरे वाले भालू मिनेसोटा और मिसिसिपी नदी के पश्चिम में खुले देश यूकोन और अलास्का के उत्तर में रहते थे। यह संभवतः बड़े शाकाहारी जीवों जैसे मस्कोक्सन, हिरण और घोड़े आदि का शिकार किया करते थे।